दिया कि वो वहीं वहीं रहें, एक गांव में पड़े रहें, कहीं और गांव में ना चले जाएं, उनको भी वो बर्बाद कर दे, उनको भी अपने जैसा ना बना दे। और जो अच्छी आत्माएं थी उनको उजड़ जाने का इसलिए आदेश दिया कि इस गांव को छोड़ कर अब हमारी जो सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये न वैसे थोड़ा जाएगा इनका, तो ये दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ अच्छी ज़मीन खरीदेंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, इनका तो मौज होए होएगी, और ये यहाँ गांव छोड़कर के दूसरे गांव में बसेंगे, उन गांव वालों को भी अपने जैसा अच्छा बनाएंगे, इसलिए इनको आदेश दे दिया, रब करे तुसी उजड़ जाइयो। उजड़न का क्योंकि जो आदेश अंतःकरण से जिस भावना से दिया जाता है वही प्रफुल्लित होता है। उजड़ जाने का तो हमने उन्होंने कुछ भी अर्थ लगाया हो, लेकिन संत जी ने इस दृष्टिकोण से कहा था कि यहाँ से जाएं ये और बाहर बसे जा करके वहाँ इनको भगवान खूब लाभ दे और औरों को भी ये समझाएं, क्योंकि घर छोड़ के, गांव छोड़ के या नगर छोड़ के इंसान दूसरी जगह तभी जाता है जहाँ उसका व्यवसाय अच्छा बन जाता है, नहीं कौन गाँव छोड़ है, ये अंडरस्टूड होता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ शिवदयाल जी ने अपनी आत्मा में भावना कुछ और थी, और इसलिए कहा कि इसने भी चलते रहने देना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मानने को नहीं और ये मनमुखी पंथ है और ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो इस भावना से भी उसने यहाँ ये शब्द कहे कि इसको भी चलने देना, लेकिन वो स्पष्ट कर रहा है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और युवराजदास स्वामी पंत शालिग्राम का है। और शालिग्राम फिर किससे प्रसन्न करता है, बुक्की में बड़े हुए राय साहब बोल रहे हैं, शालिग्राम राय साहब उस शिवदयाल जी से अपने दुख निवारण के लिए उससे जो है ना अर्जी लगाता है। तो पुण्यात्माओं ये सारी कहानी बिगड़ी पड़ी है, मानव जीवन नष्ट हो रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सबके जो है ना दुर्गतियाँ हो रही हैं, ये वहाँ साधनाएं भी कर रहे हैं, राधा स्वामी धन धन सतगुरु या जय गुरुदेव इनके पास, और किसी का कोई लाभ नहीं। पहले तो आध्यात्मिक लाभ का नाश, तो सबसे बड़ा लॉस तो ये है जो कभी किसी भी कीमत पे पूरा नहीं हो सकता, मानव जीवन बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। अपनात्मा ये स्पष्ट हो गया कि एक तो राधा स्वामी पंथ जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं शिवदयाल जी का नहीं है, दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, तीसरा ये हो गया कि शिवदयाल जी भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बैठकर प्रवेश करके बोलते रहे और जब तक वह मरी उसके अंदर रहे, भूत बने रहे। अपुण्य आत्माओं इस दास के इस प्रयत्न को आज भले ही कोई बुरा समझे, लेकिन आने वाले समय में गुण गाया करेंगे। मुझे कोई शोक नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, उन संतों से मेरा कोई भाई बंटवारा नहीं कि मैं किसी लालच लोभ में उनका जो है ना उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूँ, लेकिन परमार्थी कर्तव्य है दास का, और ये एक बहुत ज़रूरी काम है इस समय। अगर ये आपको पता नहीं चला कि आप किस दिशा में जा रहे हो और आप भयंकर जो है ना जंगल में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ फिर असंख्य जन्म तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही आपको मार्ग मिल सकता है, मनुष्य जीवन में भी आप परमात्मा पा सकते हो, और मनुष्य जीवन आपका नाश हो रहा है, अब आप समझ लेना। और इसमें भी वही वचन है, आगे दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये व्यास से छपी हुई, हम पढ़ते आ रहे हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब खुलासा उपदेश अधूर स्वामी जी साहब का, शिव दयाल जी का। ये स्पष्ट हो गया कि ये सारा ज्ञान यहाँ पर आपने पढ़ा, ये देखिए सार वचन भूमिका में, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। ये कौन था शिवदयाल जी? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसके ये वचन नोट किए गए।
उसका नाम शिवजाग जी था। और ये हम पढ़ते हैं इसके प्रश्न नंबर 13 पर। राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिवजाल जी के वचन है ये। अब हम दफा एक पढ़ रहे हैं, एक वचन। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है, अब तीसरे वचन में अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी स्थान आठवीं राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पे वचन नंबर 4 भाग 1। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को दो जगह स्थान बता के आए हैं और यहाँ सतनाम का मुकाम कहा यानी स्थान का स्थान है। इनकी लैंग्वेज समझ लेना यानी इनको कितना ज्ञान है। अभी सतनाम को आगे इसके ऊपर विवेचन किया है, डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। अब सतनाम की जिसको संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को सचखंड भी, सतनाम को सार शब्द भी, सतनाम को सत शब्द भी, सतनाम को सतनाम भी, सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। ये तो ऐसी व्याख्या है जैसे किसी ने जिंदगी में ना कार देखी, ना पेट्रोल, ना शहर, ना सड़क, और कोई जंगली जंगल में बैठा बहुत दूर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अपने अनुयायियों में प्रभु पाक रहा हो, ये कहता हो कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में घूमता हूँ, उसने सुन रखा हो किसी तय, उससे कोई प्रश्न करे कि कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, जहाज शहर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, ड्राइवर कैसा होता है, उत्तर देवे कि कार भी ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं। ऐसी जो छुरी हो, ऐसा जो वो कहता हो, ऐसा ज्ञान है इस शिवदयाल जी का। अब ये कितना सतलोक सतनाम और सतपुरुष के बारे में जानकार है ये आपके सामने अंडरस्टूड हुआ। फिर इसकी दुरुक्ति क्या हुई आपके समक्ष हुई। ये बाकी शेष जो भोली आत्मा इसी के ऊपर आरूढ़ है, आंख नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब तो परमात्मा ने दया कर दी दास के माध्यम से, अब आंखें खोलो अपनी और जीवन बचाओ, आपने भक्ति करनी है, अब करके देखो यहाँ परमात्मा की भक्ति, आपके घर में नारी सुख, आपके शरीर में एक नारी चेतना आवेगी और परमात्मा मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि सत्य को स्वीकार करो, असत्य का परित्याग करो। अब परमात्मा कबीर जी ने आकर यथार्थ ज्ञान बताया जिसके आधार से आपको ये दास ये ज्ञान सुना रहा है। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहा करते थे, वह सतलोक से चलकर आए परमात्मा और हमें याद दिला करते थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, और मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों है, ये क्या जीवन है? आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो, ये पशु पक्षियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? कोई दयालु भक्त होते हैं, देख लेते हैं किसी कुत्ते की टांग टूटी पड़ी है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं सर्दी में पड़ा है, दो अक्षर के लिए वो उसकी हमदर्दी जता करके चल पड़ता है, ये नहीं सोचता कि ये पहले कभी ये मनुष्य भी रहा होगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम भूल गया उस परमात्मा की महिमा को, अन्य प्राणियों की तुलना में आप जी को इस मानव शरीर में
ये झूठा सुख अधिक है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को पाकर के आप परमात्मा से दूर हो गए, ये गलती कर दी। और जिन्होंने परमात्मा की तरफ कोई कदम रखा तो वो गलत रख लिया। आप सफर गलत कर रहे हो, आप अपने घर की तरफ चल नहीं रहे हो। जैसे अभी आपको बताया ये कई पंथ, ये सब यही ज्ञान दे रहे हैं और यही नाम दे रहे हैं। कुछ एक ने चतुरता कर ली है, जैसे डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले धन धन सतगुरु बोलते हैं जिनको, उन्होंने तीन नाम चालू कर दिए। किसी ने प्रश्न किया इनसे बार बार कि ये तो काल के नाम है पांचों, क्योंकि तुलसीदास आर्थरस वाले ने अपनी घटनामायण में लिखा है प्रथम भाग में कि ये पांचों नाम काल के जानो। तो फिर इन्होंने सोचा भी ये तो बात बिगड़ गई, क्योंकि सन 1960 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक सच्चा सौदा के प्रवर्तक श्री खेमा मल सिंह जी की, और उसमें तो भोले भाले श्रद्धालु थे, छोटे मोटे कोई चमत्कार दिखाए दे उसके पीछे लग जाते थे। तो फिर इन्होंने इन तीन नाम रख दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, कि इनसे मोक्ष होगा। अरे ये तो पर्यायवाची नाम हैं एक ही शक्ति के। अब उस परम शक्ति को सतपुरुष कहो, सतपुरुष, अकाल मूर्त कहो। सतपुरुष का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो, सच्चा। और अकाल मूर्त भी वही है जिस देहधारी की, अकाल मूर्त, मूर्त माने साकार भगवान की, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई काल ना हो, अकाल। और शब्द स्वरूपी राम भी अविनाशी परमात्मा को ही कहते हैं, ये उसके शब्दार्थ पर्यायवाची शब्द है। तो उसको तो हमने पाना है, वो वे ऑफ वर्शिप अलग है। जैसे पृथ्वी में जल है, जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, जल प्राप्त नहीं होगा। जमीन से वो जल पानी नीर प्राप्त करने की का प्रोसीजर अलग है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा या ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। पाइप चाहिए बोकी, और उसमें नीचे बोर करते चले जाइए और फिर वो जल मिलेगा। हैंडपंप लगाया जाएगा तो वो जल पानी नीर तो पाना है हमने, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम ये सतपुरुष तो पाना है, इसको तो खोजना है। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा तीन नाम के मंत्र से। ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये नहीं, ये भी तीन है नकली, ये तो नाम है परमात्मा के, उपमात्मक नाम है। अब उसको पाने की विधि कैसी है? जैसे तीन नाम का मंत्र है, श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ओम तो ये ब्रह्म का मंत्र है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक हैं। ये तत् तो परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना होगा। ओम और ये तत् सांकेतिक जो दास बताएगा वो गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिल जाने से, ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का। और ये इसके जाप से क्या होगा? जैसे आप जी ने हैंड पंप लगाना है तो वो की शुरू कर दी और पाइप लोअरिंग कर रहे हो, साथ के साथ पाइप नीचे ले जा रहे हो, ये प्रोसीजर है जल प्राप्त करने का। तो ये सतनाम का सेवन श्वास ओ श्वास से करना होगा। श्वास बाहर छोड़े एक मंत्र, अंदर ले वे एक मंत्र, यानी एक मंत्र बाहर छोड़ना है इस दो मंत्र में से, दो अक्षर में से एक ओम एक ये गुप्त है। तो एक बाहर छोड़ना है एक अंदर छोड़ना है। ये बोकी लगेगी श्वास ओ श्वास की, जैसे आपने जल प्राप्त करने के लिए पाइप में बोकी मारनी पड़ती है बार बार ऐसे, और जब वो पाइप जो है जल के पास पहुंच जाता है नीचे